दोस्तों, बहुत लोग नया स्मार्टफोन लेते हैं और स्मार्टफोन लेने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं? ऑब्वियसली उस फोन को सेटअप करते हैं, उसके बाद ही उसमें कॉल किए जा सकते हैं, फोटो ली जा सकती है, नेट पर सर्फिंग की जा सकती है। तो उसी तरह से वो सारे दोस्तों जिनकी कंपनी में उनका पीएफ डिडक्ट होता है, उनका पीएफ कटता है, उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की है जहां पर उनका पीएफ शुरू हुआ है अभी, उन सभी दोस्तों के लिए वीडियो बहुत काम का है। जैसे कि नया स्मार्टफोन लेने पर आपको उसको सबसे पहले सेटअप करना होता है, उसी तरीके से नया पीएफ नंबर लेने पर सबसे पहला काम उसको एक्टिवेट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अपने पीएफ नंबर को एक्टिवेट किया जाता है, अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट किया जाता है। अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट करने के बाद ही आपको बहुत सारे उसके फीचर्स अवेलेबल होंगे, जैसे आप उसकी पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसके रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अपनी केवाईसी डिटेल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है अपना पीएफ नंबर, अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट करना। तो आइए दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं कि कैसे 5 मिनट में अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी सभी ESI PF में कवर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, पेरोल में कवर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालते रहेंगे। तो दोस्तों, अपना यूएन एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गूगल खोलिए और गूगल पर आप सर्च करिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल। इसके बाद जो पहला लिंक आएगा unifiedmemberportal.meme.epfindia.gov.in, इस लिंक पर आपको जाना है। मैंने ये लिंक ऑलरेडी एक नई विंडो में ओपन करके रखा है, मैं इस विंडो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नीचे एक्टिवेट यूएन ऑप्शन मिल रहा होगा, आप एक्टिवेट यूएन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर डालिए। यूएन नंबर आपका 12 डिजिट नंबर होगा जो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। यदि आपकी उसमें डिजिट कम या ज़्यादा है तो आप उसको यूएन को करेक्ट लीजिए। अगर आपके पास अभी तक अपना यूएन नंबर नहीं है और आपका पीएफ का मेंबर आईडी है तो उसके द्वारा भी आप अपने नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें आप अपने मेंबर आईडी, अपने आधार और अपने पैन के द्वारा अपना यूएन नंबर पता कर सकते हैं। ये वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी हम आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। यदि आपको अपना यूएन नंबर पता नहीं है लेकिन पीएफ नंबर पता है तो पहले आप अपना यूएन नंबर पता कर लो। यहाँ पे आपको नीचे अपना नाम करेक्ट फिल करना है जो आपने यूएन में दिया है। कई बार आपका यूएन आपका एम्प्लॉयर बनाता है, ऐसे में हो सकता है उसने आपकी नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, तो आपको वो एग्जैक्ट स्पेलिंग पता करनी होगी। इसके बाद अपनी आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के बाद ये आपका मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपको एक्टिवेट करने के लिए यूज करना है। आइए मैं वो मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको अपना ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। लास्ट में आप कैप्चा फिल करके गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन खुल गई है जिसमें आपको अपना यूएन नंबर, अपना नेम, DOB, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपने किया है और अपना ईमेल आईडी दिख जाएगा। आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। ये आप देखेंगे कि जो नंबर आपने यहाँ पर अपडेट किया है उसके ऊपर एक OTP आया होगा। आपको वो OTP यहाँ पर ऐड करना है। एक बार OTP ऐड करने के बाद आपको यहां पर देखेगा योर यूएन इज एक्टिवेटेड, द पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया है उसके ऊपर एक पासवर्ड आएगा जो आपके यूएन नंबर पर लॉगिन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। अब अपने यूएन नंबर को यूज करते हुए और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस पासवर्ड को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो नया पासवर्ड है वो मोबाइल नंबर पर SMS के फॉर्म में आ चुका है। यूएन नंबर मेरे पास पहले से था, तो अब मेंबर पोर्टल पर जाकर मैं पहली बार अपने पोर्टल पर लॉगिन करके देख रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं मेरी बाकी सारी सर्विसेज यूज कर पाऊंगा। साइन इन पर क्लिक करने पर आप देख पा रहे हैं कि हमने इस पर मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपका यूएन नंबर ऑलरेडी डिस्प्लेड होगा, आपका नेम और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ये दिखा रहा होगा कि आपका आधार नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है। अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर ऐड कर वेरीफाई कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस न करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेबर लॉ एडवाइजर। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू।